चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र बनबसा से लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित कैनाल कॉलोनी मैदान के आसपास निवासरत स्थानीय लोगों द्वारा मौखिक रूप से बनबसा पुलिस को सूचना दी गई कि कैनाल ग्राउंड में भारत नेपाल आवागमन करने वाले कुछ बाहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा अवैध रूप से कैनाल ग्राउंड में अपने वाहनों को पार्क किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों के द्वारा ग्राउंड में अनावश्यक रूप से गंदगी भी फैलाई जाती है। कॉलोनी ग्राउंड में वाहन खड़ा होने के कारण स्थानीय युवाओं की खेलकूद आदि गतिविधियों में भी परेशानी हो रही है और नेपाल स्थित कैसीनो से नशा कर वापस आने पर उक्त स्थान पर अराजक तत्व द्वारा शोर शराबा कर शांति भंग की जा रही है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आज एसओ बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कैनाल ग्राउंड पर जाकर मौके का निरीक्षण कर कैनाल मैदान में मौजूद अवैध रूप से पार्क वाहनों पर सख्त कार्यवाही करते हुए सभी अवैध रूप से पार्क वाहनों को क्रेन द्वारा उक्त स्थान से हटवाकर संबंधित वाहन स्वामी एवं वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही की गई। साथ ही बनबसा पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से नेपाल स्थित कैसीनो से भारत नेपाल आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। साथ ही चौकी शारदा बैराज बनबसा द्वारा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन चेकिंग कर अनावश्यक रूप से भारत नेपाल आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों की चेकिंग करने के साथ ऐसे व्यक्तियों का डाटा बेस तैयार कर ऐसे व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जताई जा रही थी कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आकर अवैध रूप से यहाँ पे पार्किंग करते अपने वाहनों को खड़े करते हैं और जिसके बाद ये रात्रि में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाली गलौज करके यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो आज इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये कोई आपकी स्थायी पार्किंग नहीं है, ये यहाँ पे बच्चों का अपना खेलने का स्थान है और कैनाल की ये भूमि है। और साथ ही जो गाड़ियाँ यहाँ पर अभी खड़ी हैं इन लोगों को हमने चेतावनी दे दी है। चेतावनी के बाद जिन लोगों ने हटा दिए हैं जिन लोगों ने नहीं हटाए हैं उनकी गाड़ी हम क्रेन से खिंचवा के उसको लवारिस में दाखिल कर रहे हैं। वो साथ ही जो लोग यहाँ से नेपाल जा रहे हैं उनका बकायदा एक डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं, उनके नाम पते सब लिख के। अगर कोई ऐसा आदमी जो बार बार रिपीटेशन में नेपाल जा रहा है अनावश्यक किसी कार्यवश, तो उसके परिजनों के मोबाइल नंबर भी हम उनको सूचित कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जिससे कि वो उन पर भी कड़ी दृष्टि रख सकें और उनको नेपाल में जाने से रोक सकें। जैसे कि शिकायतें भी आती, कई लोग यहाँ पर आते हैं और कैसीनो में जाते हैं तो उनको भी रोकने के दृष्टिकोण हम लोगों द्वारा एक ये यहाँ पे आज तक कार्य किया जा रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम इसमें पूर्ण रूप से इसमें लगाम न लगा रहे हैं।